ट्वेल्थ इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है विस्टास, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 है, उसको आज पढ़ेंगे। उस चैप्टर नंबर 4 का नाम है द एनिमी, यानी दुश्मन। और इसको लिखा है, इसकी जो लेखिका है वो है पर्ल एस बक। पर्ल एस बक मूलतः तो यूएस की ही थी, लेकिन इनका जो पूरा जीवन है वो चाइनीज कल्चर और चाइना में बीता, इसलिए उन्होंने बहुत सारी ऐसे वॉर और उससे रिलेटेड चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो चलिए अपन समझते हैं ये स्टोरी टेलिंग द एनिमी। द एनिमी क्या, कि हम अपने देश के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और अपने देश के जो शत्रु हैं, जहाँ उनका वार पहले मिडिएवल पीरियड में जो वॉर चला था जापान का और अमेरिका का, तो उस समय यह हुआ था कि जो जितने भी जापानीज थे वो अमेरिकन के एनिमी बन गए थे, और जो अमेरिकन थे उनको भी जापानीज लोग क्या देखते थे, एक शत्रु की दृष्टि से देखा करते थे। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो यहाँ पर ये स्टोरी शुरू होती है जापान से। द स्टोरी ओपन्स एट द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ होकी, a highly successful Japanese surgeon and scientist who had studied medicine in America. अब यहाँ पर ये जो पूरी स्टोरी चालू हो रही है वो इसके जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, वो है डॉक्टर सदाओ होकी के, जो कि एक बहुत अच्छे जापानीज सर्जन रहे हैं और एक साइंटिस्ट भी रहे। सदाओ होकी की जब जन्म हुआ था तो वो जापान में थे। उनके पिता सदाओ की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे और वो ये कोशिश करते थे, उनका एक इच्छा थी कि उनका जो बेटा है एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बने, और इसके लिए उसके पिता उसको कहाँ भेज देते हैं, अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पर सदाओ अच्छे से अपनी पढ़ाई करता है। और वहाँ से लौटने के बाद वो अपने जापान में ही रह करके अपनी आगे अपनी जो प्रैक्टिस है सर्जरी की और साइंटिस्ट वाली, वो किया करता था। He lived there with his wife Hannah and their two children and several servants. अब जब सदाओ होकी अपने जापान आ गए तो वहाँ पर वो अपनी पत्नी, उनकी वाइफ का नाम था हाना, और उनके दो बच्चों के साथ और बहुत सारे सर्वेंट्स के साथ वहाँ पर अपने घर में रहने लगे थे। ये घर उनके पिता का ही था, जो कहाँ था, समुद्र के किनारे बना हुआ था। Sadao and Hana had met in America but were married with the approval of Sadao's father only after they returned to Japan. अब सदाओ हना से कम मिला था, अमेरिका में ही मिला था, लेकिन सदाओ ने यह शर्त रखी थी कि वो मूलतः जापानीज होना चाहिए, माने प्योर जापानीज गर्ल होना चाहिए, जिसके पेरेंट्स मदर और फादर भी कैसे होना चाहिए, जापानीज होना चाहिए। और वो थोड़े इसके पिता ऑर्थोडॉक्स टाइप के नेचर के थे, तो उन्होंने जब सदाओ और हना जापान में आए तब वहां पर उनकी शादी की। One day from their veranda, the couple saw a man being violently flung to the beach by a wave. एक दिन जब सदाओ और हना अपने वरांडा में खड़े होकर के समुंदर को देख रहे थे, उस समय उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत अजीब तरीके से समुद्र की लहरों के साथ बहते बहते उनकी ओर आ रहा था। तो वो उनको एक स्ट्रेंज फील हुआ कि इस समय कौन हो सकता है। They rushed down to help him, afraid that he might be a fisherman in trouble. वो उस व्यक्ति की मदद करने के लिए दौड़े, उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये कोई मछुआरा हो जो कि समुद्र की लहरों में भटक गया हो और किसी परेशानी में हो, तो वो उसके पास जाते हैं। In fact, he was an American, a prisoner of war who had escaped. अब जब उन्होंने पास जाके देखा सदा और हना ने, तो उन्होंने देखा कि वो जो व्यक्ति है वो कोई फिशरमैन नहीं था, बल्कि उसके डील डॉल और उसकी व्यक्तित्व से, उसकी पर्सनालिटी से, उसके लुक से, उनके पीले बालों और पीले बियर्ड को देख करके उसको ये लगा कि ये एक कोई अमेरिकन है, और अमेरिकन कौन सा अमेरिकन, जो कि जापान युद्ध के दौरान प्रिजनर बन गया था, जो कैदी बन गया था जापान का, और वो शायद उस कैद से छूटने के लिए समुद्र की ओर भागा था, तो ऐसा कैदी जो उनका एनिमी था। While he wondered that should be done, his surgeon's hand seemed to automatically work to stop the bleeding.
अब उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के वहां के नुकीले पत्थर, और जब वो भाग रहा था, भागने की कोशिश में इस व्यक्ति को क्या लग गई थी, गोली लग गई थी। तो उसको गोली लगी हुई थी, तो वहां से खूब ज्यादा ब्लड जो है वो बह रहा था। तो जो कि सदा एक सर्जन था, तो ऑटोमेटिकली उसका जो हाथ था वो उस कारण से उसके वहां पहुंच गया जहां से ब्लड आ रहा था, और वो कोशिश करने लगा कि किसी प्रकार से इसकी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जाए। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो हो सकता है कि ये व्यक्ति मर जाए। सदाओ एनहना कंटेम्पलेटेड थ्रोइंग हिम बैक इन टू द सी, इट वुड बी इजी वे आउट, बट इफ दे हैंडेड हिम टू द पुलिस ही वुड इवेंचुअली डाई। अब क्या होता है कि जब ये पहचान जाते हैं कि ये तो एक क्या है, प्रिजनर है जो भागा हुआ, यहाँ से भागा हुआ कैदी है, और अगर ये ठीक हो गया और अगर इसको हमने अपने घर में रख लिया या हमने इसको शरण दे दी, तो ऐसा ना हो कि हम अपनी जापानीज सरकार की नजरों में क्या बन जाए, देशद्रोही बन जाए, और हम एक किसी अपने देश के शत्रु से उसकी मदद नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इसको ठीक करने की बजाय इसको ऐसे ही ले जा करके हम समुद्र में वापस फेंक दें। हम वापस इसको सी में फेंक के आते हैं ताकि क्या होगा, इसको जीना होगा जिएगा, मरना होगा मरेगा। फिर एक आइडिया उनके मन में और आता है कि क्यों ना हम इसको किसको दे दें, पुलिस को दे दें, जापानीज पुलिस को दे दें। वो फिर इसके अगर वो उनके हाथों गया तो फिर तो ये पक्का मर जाएगा। क्योंकि सदाव क्या रहता है, डॉक्टर रहता है, और डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने पेशेंट की जान को बचाना, उसकी लाइफ सेव करना। तो सदाव का मन बार बार उसको मना करता है कि वो ऐसा कोई काम ना करे, ना तो वो उसको समुद्र में फेंके और ना उसको पुलिस को दे। सीइंग हिज स्टेट नीदर सदाव नॉर हना हैड द हार्ट टू हैंड हिम ओवर, इवेंचुअली दे कैरिड द मैन इन टू देयर हाउस। तब क्या होता है, तब सदाव और हना आपस में क्या करते, कंसल्ट करते और बोलते नहीं, ना तो हम इसको समुद्र में फेंक सकते और ना ही हम इसको पुलिस को दे सकते, क्योंकि अभी ये ऐसी स्थिति में है कि इसको हम केयर ही कर सकते हैं, यहाँ वहां नहीं दे सकते। तो क्या करें, हम इसको अपने घर ले जाते हैं और इसको तब तक ठीक करते हैं जब तक ये बिल्कुल अपने खतरे की स्थिति से वापस नहीं आ जाता। तो फिर सदाव और हना इस व्यक्ति को कहाँ ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। वंस इनसाइड सदाव टुक अ क्लोजर लुक एंड रियलाइज दैट द मैन नीडेड टू बी ऑपरेटेड ऑन। जब सदाव उसको अपने घर ले जाता है, उसको एक अपने पिताजी का रूम जो उसके बहुत सालों से खाली रहता है, क्योंकि उस समय उसके पिता अब नहीं रह रहे, उनकी डेथ हो चुकी रहती है, तो वो अपने पिता के रूम में वहां पर इस स्ट्रेंजर्स को ले जाकर के लिटा देता है। और जब उसको बहुत केयरफुल एग्जामिन करता है तो देखता है कि इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसकी मुझे जो बुलेट इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर है, उसको निकालना पड़ेगा, और उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगेन दे वर कंफ्लिक्टेड वाई ऑपरेट एंड सेव अ वाइट मैन देयर एनिमी। तब फिर हाना और सदाव आपस में बात करते हैं कि हम इसका इसकी सर्जरी क्यों करें, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है, तो हम इसको क्यों सेव करें, हम इसको क्यों बचाएं। और इसको अमेरिकन को उन लोग क्या कहते थे, व्हाइट मैन कहा करते थे। तो हम इस व्हाइट मैन को क्यों बचाएं, क्योंकि ये हमारा एनिमी है, हमें इसको नहीं बचाना चाहिए। एज दे मुल्ड ओवर दिस दे डिसाइडेड टू गेट द मैन क्लीन फर्स्ट। तो फिर इस सब बातें होती रहती हैं सदाव और हना के बीच में। तो हना बोलती है, चूंकि ये समुद्र की इसको रेत इतनी लगी हुई है, बहुत दिन से भगा हुआ कैदी है, इसके कपड़े भी बहुत गंदे हैं, इसका लुक भी बहुत डर्टी नजर आ रहा है, तो क्यों ना इसको सबसे पहले साफ किया जाए। तो हना क्या करती है, अपनी जो मेड सर्वेंट रहती है यूमी, उसको बुला के लाती है और उससे कहती है इसको तुम बहुत अच्छे से क्लीन करो, इसको वॉश करो, ताकि ये सही ढंग का दिखने लगे, क्योंकि इसकी सर्जरी होना है। लेकिन जो यूमी रहती है, जो सर्वेंट, वो रिफ्यूज टू वॉश अ वाइट मैन। तो यूमी स्पष्ट मना कर देती है कि मैं अपने देश का जो दुश्मन है, जो एनिमी है, इस वाइट मैन को सेवा नहीं करूंगी और ना ही मैं इसको वॉश करूंगी या साफ करूंगी। तब क्या होता है, हना फिर परेशानी में पड़ जाती है। एज हना रिलक्टेंटली क्लीन द मैन सदाव रिटर्न कैरिंग द सर्जन्स इमरजेंसी बेड। अब
हना को बहुत जोर से गुस्सा आती है कि यूमी ने उसकी बात को मना कर दिया, लेकिन वो क्या कर सकती थी। तो वो खुद अपने हाथों से, वो जो व्हाइट मैन जो उनका एनिमी रहता है, उसका मन तो नहीं करता उसकी हेल्प करने का, लेकिन फिर भी वो बहुत रिलक्टेंटली उसको वॉश करती है, उसको साफ करती है। और उसी बीच में जो सदाव रहता है वो सर्जरी बैग लेकर के वहां पर आ जाता है, क्योंकि सदाव क्या करना चाहता है, उसकी सर्जरी करना चाहता है, उसको ऑपरेट करना चाहता है। द मैन इवेंचुअली वोक अप एंड वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही रियलाइज्ड ही वॉज इन अ जैपनीज होम बट हना अलाइड हिज फियर। अब क्या होता है, यहाँ पर सदाव उसकी सर्जरी करता है और हना जो रहती है वो उसको एनेस्थीशिया देती है कॉटन में लपेट करके, ताकि उसको होश ना आए उसके बीच में। और सदाव इतना कुशल सर्जन रहता है कि वो बिना किसी उसके, बहुत अच्छे से उसके जो बॉडी के अंदर नीचे पेट के पास जो गोली लगी हुई रहती है उसको बहुत ही कुशलतापूर्वक निकाल देता है और उसको रेस्ट करने के लिए इंजेक्शन देता है। अब क्या होता है, दूसरे दिन जब हना वहां जाती है तो वो जो व्यक्ति रहता है वो जब अपनी आंखें खोलता है, जागता है, तो वो सोच के डर जाता है कि अरे मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि वो तो भागा हुआ कैदी रहता है, तो उसको ये डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से कैद में आ गया हूँ। वो सोचता है मैं कहाँ आ गया, मैं किसी जैपनीज होम में हूँ लगता है। तब जो हना रहती है वो उसको देख के बोलती है, हाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम कर सकते हो, तुम अच्छे से खाना भी खा सकते हो, तुम जब तक रह सकते हो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। Over the next few days, Sadao and Hana nursed the man, but were otherwise cold towards him. Cold मतलब थोड़ा harsh होना। अब क्या करते हैं, चूंकि इसका ऑपरेशन हो जाता है तो इस व्यक्ति की, इस वाइट मैन की उन लोग बहुत सेवा करते हैं, उसको अच्छे से खाना देते हैं, उसके पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं, लेकिन फिर भी सदाव और हना दोनों के मन में उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं रहती है। वो थोड़ा उसके लिए दृढ़ रहते हैं, हार्श रहते हैं, बाद भी जब उसको आंसर करते तो बहुत पोलाइटली नहीं करते हैं। Although they wondered why they were not able to go to the police, सदाव और हना बीच बीच में, सदाव हना उससे पूछती है सदाव से कि अब हम इसका क्या करेंगे, हम कितने दिन छुपा के इसको अपने घर में रखें, कभी ना कभी तो पता चल जाएगा। और उसके यहाँ के जो सर्वेंट्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं कि मालिक को इस हमारे दुश्मन को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, उसको किसको दे देना चाहिए, पुलिस को दे देना चाहिए। तो वो भी दोनों बहुत सोचते हैं कि अरे अब हम इसको कैसे पुलिस के हाथों सौंप दें, क्या करें हम इसका, क्योंकि ये जो मैन है ये कैसा है, डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज वाइट मैन। देयर सर्वेंट्स बिकम इंक्रीजिंगली वरीड अबाउट सदाव नॉट इन्फॉर्मिंग द पुलिस अबाउट द अमेरिकन। अब क्या होता है कि जो सर्वेंट्स रहते हैं वो भी ये सब सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे मालिक जो हैं वो इसको पुलिस को नहीं दे रहे हैं, उनको तो इसकी मदद करना ही नहीं चाहिए। फिर वो सोचते हैं अच्छा सदाव जो हैं वो अमेरिका में रह के पढ़े हैं, इसलिए हो सकता है कि उनका जो मन हो वो अमेरिकन के तरफ झुकाव हो, इसलिए शायद वो इस वाइट मैन को अपने घर में रखे हुए हैं। आफ्टर 7 days दे लेफ्ट द हाउस इन प्रोटेस्ट। हना एंड सदाव बोर हिज दिस स्टियोकली। अब क्या होता है कि जो हना और सदाव रहते हैं अपने सर्वेंट्स की बातें सुनते हैं। एक दिन हना सदाव को बोलती है कि सर्वेंट्स बोल रहे हैं कि अगर इस व्यक्ति को अपन ने घर से बाहर नहीं निकाला तो सारे के सारे क्या करेंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सदाव कुछ नहीं बोलता। तो एक दिन ऐसा होता है कि 7 दिन बाद जितने सर्वेंट्स और मेड रहते हैं हना और सदाव के घर के, वो सब क्या करते हैं, उसके विरोध में, उस शत्रु को, उस दुश्मन की मदद करने के विरोध में सदाव और हना का घर छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। यूमी चली जाती है, गार्डनर चला जाता है, बहुत सारे लोग उसके घर को छोड़ के चले जाते हैं। अब क्या होता है, अचानक से जब उसके सर्वेंट्स बाहर चले जाते हैं तो हना के ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत बोझ आ जाता है। उसको अपने छोटे बच्चे को देखना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात हना के सिर में एक इस प्रकार का टेंशन रहता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि हमारे घर में वो दुश्मन रह रहा है। फिर एक दिन क्या होता है कि उनके जो कमांडर चीफ रहते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, जो कि जापान के रहते हैं। तब
तो सदाओं को उन्होंने इसलिए अपने पास रखा होता है कि उनको हार्ट की बीमारी रहती है, और चूंकि सदाओ एक बहुत अच्छा सर्जन रहता है तो वो जनरल उस पर बिलीव करते हैं कि हम इससे क्या करेंगे, हमेशा इलाज करवा सकते हैं। तो एक दिन जनरल की तबीयत खराब हो जाती है। दैट डे सदाओ वॉज समन टू अटेंड टू द ओल्ड इल जैपनीज आर्मी जनरल। द जनरल कुड नॉट अलाउ सदाओ द बेस्ट सर्जन इन जापान टू बी अरेस्टेड। अब क्या होता है कि जब सदाओ उस जनरल के पास जाता है तो सदाओ क्या करता है, उसकी दवाई, उसकी पूरी दवाइयां करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, और उसके बाद सदाओ के मन में जो बात चल रही होती है उस एनिमी को लेकर के, तो वो सारी घटना वो किसको बता देता है, उस जनरल को बता देता है। जब जनरल को ये सारी घटनाएं पता चल जाती हैं, तो चूंकि वो आर्मी का रहता है, तो चूंकि ऐसा करने पर क्या होता है, देशद्रोह की सजा होती है, और हो सकता कि सदाओ को अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन जनरल खुद नहीं चाहते थे कि सदाओ को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर सदाओ अरेस्ट हो गया तो उनका ट्रीटमेंट कौन करेगा, उसके जैसा सर्जन उनको जापान में कोई नहीं दिखता था। सदाओ जो था उनकी नजरों में सबसे बेस्ट सर्जन था। तो जनरल बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, तुमको हम अरेस्ट नहीं करवाएंगे। तो क्या करते हैं, तब सदाओ एग्री टू द प्लान। ही वेटेड फॉर 3 नाइट्स फॉर द असैसिंस बट नो वन केम। तब जनरल और सदाओ एक प्लान बनाते हैं। जनरल बोलते हैं ऐसा करते हैं कि मेरे पास कुछ प्राइवेट मर्डरर हैं, असैसिंस हैं, मतलब जो किसी को क्या करते हैं, हत्या करने वाले। तो ऐसे प्राइवेट जो मर्डरर्स हैं, असैसिंस हैं, उनको मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा, और वहां पर वो चुपचाप से उस अमेरिकन को क्या करेंगे, मार डालेंगे और फेंक देंगे बाहर ले जाके, जिससे तुम देशद्रोह के जुर्म से भी बच जाओगे। तो सदाओ और जनरल का ये प्लान रहता है कि कोई प्राइवेट मर्डरर आएंगे और उस बच्चे को, उस अमेरिकन को मार डालेंगे और हम बच जाएंगे। तो सदाओ और ये लोग प्लान बना लेते हैं। लेकिन सदाओ 3 दिन उनका वेट करता, 3 नाइट सदाओ बड़ी टेंशन में रहता है, और 3 रातों में उसका वेट करता। उसको हर रात को ऐसा लगता कि हाँ कोई ऐसे सिंस आया है और वो उसको मार के चला गया। और दूसरे दिन जब वो सुबह जाकर देखता है तो वो लड़का वापस वैसे ही उसको सोता मिलता है। तो अब सदाओ की टेंशन बहुत बढ़ जाती है कि वो क्या करे जिससे उसको इस परिस्थितियों से निपटने में मदद मिले। फाइनली ऑन द 4th डे सदाओ डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी फर्दर रिस्क। अब क्या करता है, जब 3 रातें निकल जाती हैं और सदाओ को ढंग से नींद भी नहीं होती है, हाना उससे बार बार क्वेश्चन करती रहती है कि अब हम इस लड़के का क्या करें, इस अमेरिकन का क्या करें, तब सदाओ एक 4th दिन एक प्लान बनाता है। वो क्या प्लान बनाता है, ही टोल्ड द यंग सोल्जर हु हैड रिगेन्ड स्ट्रेंथ बाय देन एंड टू टेक हिज बोट एंड रॉ टू अ लिटिल आइसलैंड ऑफ द कोस्ट। अब वो क्या बोलता कि वो उस अमेरिकन को बुलाता है और कहता है तुम अब अच्छे हो चुके हो, तुम्हारी प्रॉपर शक्ति तुम्हारे अंदर आ चुकी है, अब तुम क्या करो, मैं तुमको रात के अंधेरे में एक बोट रख दूंगा, एक नाव रख दूंगा, उसमें बहुत सारा खाने का सामान रख दूंगा, दवाइयां रख दूंगा, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रख दूंगा, अब तुम क्या करना, अंधेरे में ही तुम यहां से चले जाना, सामने जो एक आइसलैंड दिखाई दे रहा है इस आइसलैंड पे तुम जाकर के रुक जाना, और जब वहां पर कोई कोरियन फिशिंग बोट आएगी तो उन कोरियन फिशिंग बोट में बैठ करके तुम अपनी कंट्री वापस चले जाना, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो और कैसे हो, क्योंकि उससे वो सदाओ अपने डॉक्टरी पेशे से बहुत अटैच रहता है और वो किसी को भी किल करना नहीं चाहता। क्या होता है फिर, द यंग मैन वॉज रिलेक्टेंट टू लीव बट ही लेफ्ट द नाइट एंड वॉज नेवर सीन अगेन। अब क्या होता है कि वो जो नौजवान लड़का रहता है, जो अमेरिकन सोल्जर रहता है, उसका मन जाने का तो नहीं होता है वहां से, लेकिन फिर भी वो उस बोट पे अपना सारा सामान सब कुछ रख करके कहाँ चला जाता है, आइसलैंड चला जाता है, और आइसलैंड जाने के बाद फिर उसके बाद वो दोबारा दिखाई नहीं देता। इसका क्या मतलब हुआ कि वो आइसलैंड पहुंचा होगा, उसको वहां पर कोरियन बोट मिल गई होगी और उन कोरियन फिशिंग बोट की मदद से वो अपनी कंट्री वापस चला गया होगा। इस प्रकार से जो सदाओ रहता है वो उस एनिमी, उस व्हाइट मैन से अपना पीछा छुड़ा लेता है। अ वीक लेटर आफ्टर द जनरल रिकवर्ड फ्रॉम अ सर्जरी सदाओ इन्फॉर्म्ड हिम दैट द प्रिजनर हैड एस्केप्ड। अब क्या होता है, इस बात को जब एक हफ्ता हो जाता है
और जनरल फिर अपने सर्जरी से रिकवर हो जाता है, उस समय सदाओ उसके पास जाता है, जनरल के पास, और उसको बताता है कि वो तो जो कैदी था, वो जो लड़का था, जो सोल्जर था, वो क्या हो गया, यहाँ से भाग गया, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ भाग गया। मतलब सदाओ भी जनरल को वो पूरी सही बात नहीं बताता है, और इस प्रकार से वो अपने जो कैदी है उसको भगा देता है। Afraid of being suspected of treason, he pleaded with Sadao to keep the lapse a secret. Sadao agreed happily. अब क्या होता है कि जब जनरल को ये सब बात बताता है तो जनरल सदाओ से क्या कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये सारी बातें जो हैं वो तुम अपने में सीक्रेट रखना, किसी को डिस्कस मत करना। That night, Sadao found himself reflecting on his life in America and the Americans he had made. उस रात को क्या होता है, सदाओ सोचता रहता है कि वो किस प्रकार अमेरिका में अपनी लाइफ गुजार रहा था और वहां के अमेरिकन से जो वो मिलता था उसकी बात वो याद कर रहा था। He could not feel thankful even to his American landlady who had taken care of him when he had influenza. उसको याद आता है कि जब वो अमेरिका में रहता है तो उसकी जो लैंड लेडी रहती है वो क्या करती है, बहुत हार्श तो रहती है लेकिन जब सदाओ को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो अमेरिकन लेडी उसकी क्या करती है, किस प्रकार नर्स करती है, उसकी परवरिश करती है, उसकी केयर करती है, जिससे कि वो इतनी बड़ी बीमारी से बच जाता है। Then he remembered the young soldier and pondered on his inability to kill the young white man. और उसके बाद फिर वो किसको याद करता है, वो उस यंग सोल्जर को जिसने जिसका उसने ऑपरेशन किया था उसको भी याद करता है, सोचता है कि जब मुझे अमेरिका से इतना लगाव नहीं था, मुझे अमेरिकन इतने पसंद नहीं थे, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने उसको सेव किया, पता नहीं मैंने उसको क्यों ऑपरेट किया, मैंने उसकी लाइफ क्यों सेव की, मैं क्यों नहीं उसको मार पाया या पुलिस को दे पाया। तो बच्चों ये थी हमारी फेमस स्टोरी द एनिमी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर